राख के ढेर को हवा मत दो रिया। अरमान सिर्फ मलिका का, अब ना अरमान कभी मेरा हो सकता और ना मैं उसकी, और ना मैं उसकी, और ना मैं उसकी। लेकिन अरमान सर अब भी सिर्फ आपको प्यार करते हैं, सिर्फ आपको चाहते हैं। तुम अभी यही कह रही हो रिया? जब तुम मुझसे मिली थी तब तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे सारी बात छुपाई रिया? कैसे बताती जस्सी मैं? आप अरमान सर को अपने मन से पति मान चुकी हैं। लेकिन अरमान ने तो किसी और को अपनी पत्नी बना लिया ना रिया। जानती थी कि अरमान किसी और का हो चुका है रिया, लेकिन फिर भी तुम हमें एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश करती रही। तुम जानती थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया रिया? क्यों किया तुमने ऐसा? वो किसी और के सिर्फ रस्मों से हुए जसीमा, और रस्मों से दिल के रिश्ते नहीं जोड़े जाते। दिल से तो अरमान सर और आप हमेशा एक दूसरे के थे और हमेशा रहेंगे। बस करो रिया, बस कर दो प्लीज। अरमान अब मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कर रहे हो? पता है ना, आज नेहा मैम की सरप्राइज पार्टी के लिए हमें डेकोरेशंस की तैयारियां भी करनी है। पर वैसे नसीम मैम और फादर रॉड्रिग्स नहीं दिखाई दे रहे। मैंने उन्हें अभी-अभी बाहर देखा है, इंस्पेक्शन ऑफिसर के साथ बात कर रहे थे स्कूल की ग्रांड के बारे में। नाउ चलो, कम ऑन, लेट्स गो। यस। कुछ भी नहीं बचा जिसे बचाया जा सके। अरमान मेरी जिंदगी से जा चुका था, अब वो किसी और की जिंदगी में, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब एक बेटी घर से बिना बताए चली जाती है तो घर की चौखट भी दांव पर लग जाती है। माँ बाप का इंतजार होता, संस्कार छूटे पड़ जाते हैं, परवरिश शर्मा जाती है। क्या बीती होगी सब पर? छूट गई वो चौखट, वो चौबारा, वो गलियां जहां जहां मैं अपने पापा जी के गुरूर में थी, बेबे के भरोसे में थी, मम्मा की दुआओं में थी। पापा जी, मम्मा, बेबे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपको तकलीफें दी। जब भी आपकी नजरें शर्म से झुकती हैं तो मैं अपनी नजरों से गिर जाती हूँ। आपकी क्वीन विक्टोरिया हार गई, आपकी क्वीन विक्टोरिया हार गई, आपकी क्वीन विक्टोरिया हार गई। ये तो कमाल ही है जी। स्कूल में उनका आता पता नहीं, घर पे ताला लगा हुआ है, ये मामला है क्या? आखिर नेहा जी गई तो गई कहाँ? मन तो बहुत था आपकी इस मिस नेहा शास्त्री को एक बार देखने का, पर पतलाल जी, लेकिन रात बहुत हो चुकी है,
और मुझे अब अपने होटल वापस जाना चाहिए। ओ नहीं जी, थोड़ी देर तो रुको और। आती होंगी नेहा जी। भाई वो नहीं आएंगी तो नसीम मैडम तो आएगी, कार है उनका, उनसे पूछ लेंगे कहाँ है नेहा जी। ओ जी हमारा मतलब है कि उन्होंने आपके पति की जान बचाई है, तो कम से कम एक बार उनसे मिलना तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं, है ना मलिका जी। आई तो इसीलिए थी यहाँ कि उनसे मिल सकूं, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मैं कल दोपहर में ही वापस जा रही हूँ। ओए कल दोपहर तक तो परबत लाल उनके परदादों को भी ढूंढ लाएगा, ये तो नेहा जी हैं। आप फिक्र ना करो, हम कल सुबह आते हैं आपको होटल में लेने और फिर हम आपको आपके जाने से पहले ही नेहा शास्त्री से मिलवा देंगे। भाई हम नहीं चाहते कि आप कहो कि आपने निताल आए भी और परबत लाल ने आपका काम नहीं किया, और फिर हमको भी तो नेहा जी की असलियत का पता करना है। जिस ऊंचाई से आपने हमको नीचे गिराया है ना, वो भूला नहीं है ये परबतलाल। नेहा मैम का बर्थडे है, उन्हें विश तो कीजिए। अच्छा, ओह आना पड़ेगा। यस मैम, वो आपकी कलीग है ना? वो तो है। चलो चलिए, चलिए मैम, चलिए चलो। मैम आप क्या हो ना? जन्मदिन मुबारक हो नेहा जी। वैसे आज का दिन तो आपको पूजा पाठ में बिताना चाहिए था ना, ये नाटक वाटक फिजूल का टाइम वेस्ट किया आपने। नेहा जी आपको कह रही हूँ। अच्छा एक फोटो लेना सबके। ये राघव जी कहाँ है? ये चाहिए केक पर। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। जी सर, पेन प्लीज। थैंक यू सर। इसे पैक कर दीजिए, मैं भी आकर ले लेता हूँ। हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं, याद है आपको? Of course. अभी की तो बात, फिर कैसे भूल सकते हैं? हाँ, उस दिन हम लोग बहुत मजे कर रहे थे, फिर आप अचानक उठ के चले गए, और ये चोट कैसे लगी आपको? मैं आपसे कहा था कि नैनीताल के साथ मेरी बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। बस समझ लीजिए कि उनमें से एक बुरी याद और जुड़ी। थैंक यू रिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है? मैंने यहां पता किया है और टिकट्स बड़ी आसानी से मिल रही हैं। तुमने इससे पहले भी एक बार अरमान के साथ खेल खेलने की कोशिश की। मैंने तो तब भी कहा था कि तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन अब जब तुम बंबई आओगी ना, तुम्हारा खेल खत्म, और साथ में कुलमोहर में तुम्हारी नौकरी भी। मैं कोई खेल नहीं खेल रही मलिका मैम, मैं तो बस ये चाहती हूँ
कि सच्चे प्यार की जीत हो अरमान सर और जस्सी मैम का प्यार, और मैं उन दोनों को मिलाकर रहूंगी चाहे आप कुछ भी कर लें। नहीं फिर तो तय है, आप नैनीताल से बुरी यादें लेकर जा ही नहीं सकते। नैनीताल तो खुशियों से भरा शहर है। चलिए आप मेरे साथ चलिए, आपको खुशियों से तारुफ मैं कराता हूँ। नहीं नहीं मैम जी नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे आप जैसे लोग मिले। मेरे लिए लेकिन ये बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना खुश रहूं तो आप मेरे साथ मत चलिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो आप मेरे साथ चलिए प्लीज। सीखी हूँ और वो भी दूसरी क्लास तक। लेकिन मैम ऐसा दिन भी तो बार बार नहीं आता, आपको डांस करना होगा। देखो बेटा मैम, अरे लाइट चुके हो गया। ओहो, अरे राघव सर केक लेकर आ गए। अरे भाई केक नहीं लेकर आया और बहुत कुछ लेकर आया हूँ, एक दोस्त को लेकर आया हूँ साथ में जो यहाँ इस पार्टी की शोभा बढ़ाएगा। इनके तो आते ही बत्ती गुल हो गई। अरे तो क्या प्रॉब्लम है, इसका सलूशन है मेरे पास, ये देखिए। कौन बुलाएगा? जी आप क्या कर रही हैं? जल्दी से फूक मारिए और कैंडल बुझा दीजिए, इससे जल्दी तो किंडरगार्टन के बच्चे मार लेते हैं फूक। ऑल योर्स। जैसी कंग्रेचुलेशन अरमान, तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी शादी से तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर मेरी खुशियों की इतनी परवाह थी तो फिर मुझे बिना बताए छोड़ के क्यों आ गई?
तुम्हें पता है अरमान, रिश्ते विश्वास से निखरते हैं और शक से बिखर जाते हैं। जैसी, हर शक के पीछे एक यकीन होता है और हर यकीन के पीछे कहीं भी शक होता है। ऐसी बातें समझाई नहीं जाती अरमान, समझी जाती है। और जहां विश्वास होता है वहां समझ अपने आप आ जाती है। तुम पहले समझना नहीं चाहते थे और अब मैं समझाना नहीं चाहती। शशि, तुम्हारे पास अभी भी कुछ है समझाने? जहाँ प्यार होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है अरमान। शायद इसीलिए तुम्हारी ये सफाई से बड़ी बेवफाई हो गई जैसी। नहीं, ना मैंने कोई बेवफाई की है और ना ही तुमने वफा की है अरमान। अब इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले हमारे पास जिंदगी के लिए वक्त नहीं होता था और अब जिंदगी के पास हमारे लिए वक्त नहीं है अरमान। जिंदगी की बात मत करना, जस्ट एक बार भी बात मत करना। मैं अपनी सात जिंदगियां, पूरी सात जिंदगियां तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जस्सी के पास सात मिनट नहीं थे मुझे समझाने के लिए। इसीलिए तुमने सात फेरे उसी मंडप में लिए अरमान। सात जन्मों के रिश्तों को तोड़ने में तुम्हें सात मिनट भी नहीं लगे। जस्सी, मेरी गलती तुम्हारी है। और तुम बताओ मैं क्या करता। मैं, हमारा रिश्ता एक नाम से शुरू हुआ था अरमान और एक इल्जाम पर खत्म हो गया। क्या कहूं मैं, क्या कहोगी तुम जैसे? जैसे हर फरेब का सिर्फ एक ही जवाब होता है, सिर्फ एक जवाब, खामोशी। और जो फरेब करते हैं ना जैसे, सिर्फ वही लोग भागते भी। तुमने शायद सपने भी नहीं सोचा होगा ना कि तुम मुझे इस तरीके से नैनीताल में मिलोगे। लेकिन पागल तो मैं था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम और कौन सी जगह जाओगी इस नैनीताल को छोड़कर। तुम्हारी इतनी मधुर, इतनी प्यारी यादें जो जुड़ी हुई हैं, तुम्हारा सीधे कैसे? अच्छा ही होगा। होगा वो गाजिस, यानी अब नहीं है। तुमने सीजे को भी अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर दे। एक लड़की है नीचे, सब बातों में आके रूप रंग में है पीछे। दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा।
जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।